हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्टेक में। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि ये जो सिरामिक और पॉलिएस्टर कैपेसिटर होते हैं, इन पे जो नंबर होते हैं इनका क्या मतलब होता है और इसे हम पिको फराड या नैनो फराड या माइक्रो फराड में कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें इसे इस पर प्रिंट जो नंबर होता है उसको देखना पड़ेगा। तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें कितना नंबर है। यहाँ देख आप देख सकते हैं यहाँ 103 लिखा हुआ है। तो 103 का मतलब क्या हुआ, तो चलिए इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि 103 का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं इसमें तीन डिजिट में इसका वैल्यू लिखा हुआ है 103। तो लेफ़्ट साइड का जो दो डिजिट होता है उसे हम वैसे ही लिख देंगे 10। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 103 लिखा हुआ था, मैंने यहाँ 103 लिख दिया है। अब लेफ़्ट साइड में जो दो डिजिट होते हैं वैसे मैं राइट साइड में 10 लिख दूंगा। और ये जो 3 है लास्ट में, इसका मतलब क्या होता है, तो ये 10 जैसा होगा वैसे ही लिखा देगा। और इसमें जो 3 है ये मतलब वहाँ पे 10 के आगे 30 लगाएंगे, 3 का मतलब 30। अगर इसके आगे 4 रहेगा तो 40 लगाएंगे हम। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं 10 के आगे मैंने 30 लगा दिया है। तो अब इसे हम कैसे पता करेंगे कि ये माइक्रो फराड है कि नैनो फराड है। तो मैं पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी कैपेसिटर होता है जिस पर माइक्रो फराड नहीं लिखा हो तो उसे हम पिको फराड में कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो पिको फराड ही होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 103 का मतलब 10,000 पिको फराड। तो चलिए अब इसे नैनो फराड में कैलकुलेट करते हैं। तो नैनो फराड में कैलकुलेट करने के लिए इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 10 नैनो फराड। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 10 नैनो फराड का कैपेसिटर। तो चलिए अब इसे मल्टीमीटर पर चेक करके देखते हैं कि ये कितना रेंज इसका वैल्यू बताता है। तो मल्टीमीटर पर चेक करने से पहले हम थोड़ा मल्टीमीटर को देख लेते हैं। यहाँ हुआ 200 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 200 नैनोफराड, 2 नैनोफराड। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कैपेसिटर है 10 नैनोफराड का। तो हम इसके पॉइंटर को 20 नैनोफराड वाले पे रखेंगे और मेज़र करेंगे। आप इसे मेज़र करने के लिए इसमें वायर भी लगा सकते हैं मल्टीमीटर में, मैंने नहीं लगाया, मैं डायरेक्ट चेक करूँगा क्योंकि मेरे पास बड़े पिन वाला कैपेसिटर है। इस वजह से अगर आपके पास छोटे पिन वाला कैपेसिटर है जिसका आपने पिन काट दिया है तो आप इसमें वायर भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सुविधा के लिए मैं इसे डायरेक्ट चेक कर रहा हूँ। तो चलिए इसे चेक करके देखते हैं। फ्रेंड्स, इस कैपेसिटर के बारे में मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, आप इसे किसी भी तरफ से चेक कर सकते हैं। तो मैं चेक करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कॉमन और CX में इसको लगा रहा हूँ और ये 10 नैनोफराड का है। तो 10 नैनोफराड के आसपास में ही वैल्यू इसमें शो करेगा। तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ 9.23 से 9.22 ऐसा ही कुछ शो हो रहा है। इसका मतलब ये हमने जो कैलकुलेट किया वो एकदम सही कैलकुलेशन है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि ये 103 नंबर का कैपेसिटर जो होता है 10 नैनोफराड का है। मल्टीमीटर पर भी इसकी रीडिंग 10 नैनोफराड के आसपास ही बता रही है। तो अगर हम इसे माइक्रोफराड में कैलकुलेट करके देखेंगे तो माइक्रोफराड में कैलकुलेट करने के लिए ये जो 10 नैनोफराड है, यहाँ 10 लिखेंगे ऊपर और इसे फिर से 1000 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 0.01 माइक्रोफराड। तो इसे हम 0.01 माइक्रोफराड भी कह सकते हैं या 10 नैनोफराड कह सकते हैं। तो ये था हमारा 10 नैनोफराड का कैपेसिटर। अब हम चेक करते हैं अगले वाले कैपेसिटर को, जो कि है यहाँ 104 नंबर का। आप यहाँ देख सकते हैं 104 शो हो रहा है यहाँ। तो ठीक है, यहाँ 104 शो हो रहा है। तो चलिए इसे अब चेक करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ 104 है तो हम यहाँ 104 लिख देंगे। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, शुरू के जो दो डिजिट होते हैं वैसे ही लिखना है हमको 10। अब यहाँ मैंने पहले बताया था कि 4 है तो 4 लिखाएगा, अगर 3 है तो 3 लिखाएगा। तो यहाँ 4 है तो 40 हम यहाँ आगे लगा देंगे इसमें। अब यहाँ आप देख सकते हैं 1,00,000 पिको फराड का ये कैपेसिटर हो गया। अब अगर हम इसे नैनो फराड में कैलकुलेट करेंगे तो इसे 1000 से डिवाइड देंगे। तो 1000 से डिवाइड देने के बाद ये जो हमारा कैपेसिटर है ये आ जाएगा 100 नैनो फराड का। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो कैपेसिटर है ये 1,00,000 पिको फराड भी है, 100 नैनो फराड भी है। और अगर हम इसे माइक्रो फराड में कैलकुलेट करेंगे तो इसे 100 नैनो फराड को हम फिर से 1000 से डिवाइड देंगे तो 0.01 माइक्रो फराड का ये कैपेसिटर होगा। तो चलिए अब इसे मल्टीमीटर पर चेक करके देखते हैं
कि ये हमने जो कैलकुलेट किया ये वाले कैपेसिटर को, ये सही है कि गलत है। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो कैपेसिटर है ये 100 नैनो फराड का है, तो इसमें हम मल्टीमीटर में थोड़ा चेंज करेंगे और इसे 200 नैनो फराड वाले रेंज पर रखेंगे और अब इस कैपेसिटर को चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कितना वैल्यू बताता है। तो फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं कि यहां 102.2 बता रहा है नैनो फराड। इसका मतलब कि हमने जो दूसरा वाला भी कैलकुलेट किया है कैपेसिटर को, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स, हमने दो सेरामिक पॉलिएस्टर कैपेसिटर को चेक किया है, अब चलिए हम सेरामिक कैपेसिटर को चेक करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 470 यहाँ वैल्यू शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ 470 शो हो रहा है, तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि लेफ़्ट साइड में जो दो डिजिट होते हैं हमें वैसे ही लिखना है, सेम। तो यहाँ 470 हमने लिख दिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं 47 है, तो 47 इसके बाद भी लिखेंगे हम 47। उसके बाद यहाँ 0 है, कोई नंबर नहीं है यहाँ, तो हम जैसा 470 है वैसे ही 470, यानी कि ये जो कैपेसिटर है 470 पिको फराड का कैपेसिटर है। तो अगर हम इसे मल्टीमीटर में चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये 470 पिको फराड का है। तो हमारा मल्टीमीटर जो है पिको फराड में मेज़र नहीं कर सकता है, तो हम इसे 20 नैनो फराड वाले पे रखेंगे, तो इसमें 0.47 नैनो फराड शो होगा। तो इसे हम ये पता लगाएंगे कि ये कैपेसिटर जो है हमारा 470 नैनो पिको फराड का कैपेसिटर है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं 0.4748 शो हो रहा है, इसका मतलब कि ये 470 पिको फराड का कैपेसिटर है। पॉइंट में इसलिए शो हो रहा है कि हमने यहाँ नैनो फराड वाले रेंज पर रखा है, क्योंकि हमारा जो मल्टीमीटर है ये पिको फराड में मेज़र नहीं कर सकता है, इसीलिए हमने इसे 20 नैनो फराड वाले सबसे लास्ट रेंज पर रखा है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 470 पिको फराड का कैपेसिटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ।